या उसको। फिर एक बार ज्यादा लोग वहां उपस्थित हो गए, उधर कुर्सियां खाली हैं, आयोजकों से निवेदन है उन सबको कुर्सियों पर स्थापित करें ताकि दूसरे लोग वहां खड़े हो सकें फिर से। ये क्रम तो चलता ही रहेगा, तुम उसमें क्या दिक्कत है, उनको हटाएं तो दूसरे लोग आके खड़े हों। लेकिन वो खड़े होने की जगह कभी खाली नहीं होगी। आप सबसे विनम्र अनुरोध मेरा बार बार यही है कि कोई बात कवि की अच्छी लग जाए तो तालियां बजाने में संकोच कीजिएगा ही मत। बस आपकी तालियां ही कवि सम्मेलन को, आपका उत्साह ही कवि सम्मेलन को सफल बनाएगा। मैं पहले कवि को आमंत्रित करने के लिए छोटा माइक छोड़ करके बड़े माइक पर आया हूँ। पहला कवि आपके आंगन का दीपक है, आपके आंगन की तुलसी है। आपका उत्साह मिलेगा, आपका बल मिलेगा, आपकी तालियों का परवाज मिलेगा तो शायद आगे चल करके बड़े बड़े अखिल भारतीय मंचों पर उसकी उपस्थिति होगी। आइए आपकी तालियां उठें और मनोज द्विवेदी को हम आवाज देते हैं, जो आपके आंगन का भरपूर तालियां बजा करके उसका स्वागत कीजिए और भरपूर सुनिए मनोज द्विवेदी मधुर। सर्वप्रथम माँ बागेश्वरी को प्रणाम करता हूँ, विद्वत मंच को प्रणाम करता हूँ, चकिया के समस्त सुधी सत्वाजनों को प्रणाम करता हूँ। आज आप सभी के बीच में इस मंच से अपने को पाकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हो भी क्यों ना, चाहे कोई भी साधक हो, चाहे संगीत का, साहित्य का, कला का, योग योग, चाहे जैसा भी साधक हो, जब तक उसके आंगन से उसे आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, उसकी साधना सिद्ध नहीं होती। मैं आपके आंगन में, बढ़िया बात है, अपने आंगन में आपसे आशीर्वाद चाहता हूं। मैं सबसे पहले अभी बहन व्याख्या ने जिन्हें माँ की वंदना की, चार पक्तियां माँ के चरणों में निवेदित करना चाहता हूं, उसके बाद फिर। हाँ, स्वागत स्वागत स्वागत। तेरी कृपा से गूंगा बोले मंदमती वाचाल हुआ, कीर्तन करने लगा पात की, निर्धन भी महीपाल हुआ। क्या बात है, मधुर कंठ स्वर सप्त रचे, तू ही सकल सृजन की माता, तुझसे सुर लय ताल हुआ। क्या बात है, तू ही सकल सृजन की माता। और चार पक्तियां अपने उस आराध्य के लिए देना चाहता हूं, संभवतः जिनको गाकर लिखकर हम कवियों के कुलश्रेष्ठ गोस्वामी तुलसीदास जी, आज लगभग जितने सनातनी हैं चाहे जहां भी हों, देश हों विदेश हों, उनके दिलों पर राज करते हैं। मैं उन आराध्य के लिए चार पक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत भाई, आप सुनिएगा। स्वागत। सबसे सब काम हो नहीं सकता, सबका वो नाम हो नहीं सकता, त्याग ऐश्वर्यमाल के वैभव, हर कोई राम हो नहीं सकता, राम हो नहीं सकता। मेरे चकिया के अच्छे लोग, अगर इन पंक्तियों को दोबारा सुन लिया जाए तो क्या दिक्कत है, एक बार आपकी तालियां उठे हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का, आपने सराहा, आशीर्वाद दिया। स्वागत भाई, पुनः पढ़ो। हाँ, पुनः पढ़े, जनता का आदेश। फिर पढ़ता हूँ, आप सभी सुनिएगा।
कि सबसे सब काम हो नहीं सकता, सबका वो नाम हो नहीं सकता, त्याग ऐश्वर्य माल के वैभव हर कोई राम हो नहीं सकता, जिंदाबाद, कोई राम जिंदाबाद भाई, वाह नहीं सकता। और चार पक्तियां मैंने जो अपेक्षा की है अपने ईश्वर से, वो चार पक्तियां आपने पूजा की, प्रार्थना की पक्तियां पढ़ता हूं। मेरे ईश्वर मेरा मन ही तुम्हारा धाम हो जाए, मेरे ईश्वर मेरा मन ही तुम्हारा धाम हो जाए, मेरे जीवन का क्षण प्रति क्षण तुम्हारे नाम हो जाए, मेरी हर सांस मेरा का भजन तुलसी की चौपाई, मेरी हर सांस मेरा का भजन तुलसी की चौपाई, जपू जो वाल्मीकि सा मरा भी राम हो जाए, आए, आए, आए। जो मरा भी हो जाए। अद्भुत अद्भुत, क्या प्रयोग है भाई, वाह, बहुत बहुत आभार, क्या बात है। और हम भक्त और भगवान का तादात्म्य जहां स्थापित होता है, उसके कर्म फल कितने फलीभूत होते हैं, वहां से चार पक्तियां छंद निवेदित करना चाहता हूं आप सभी के बीच में। सभी सुधी सुताजन सभी हमसे बड़े हैं, यहाँ पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि पारस को क्या, पारस को क्या पड़ी, परखे कौन सोना यहाँ कौन कासा बनेगा, क्या बात है भाई, क्या है, कमाल है। सीप न जानता कौन से बारिश बूंद के मोती का साँचा बनेगा, स्वाति से मोती लौह से कंचन, स्वाति से मोती और लौह से कंचन, भाग्य से भाग्य का पासा बनेगा, भक्ति में लीन सुदामा बनेगा, क्रोध की ये दुर्वासा बनेगा, भक्ति में लीन सुदामा बनेगा। क्या बात है भाई, क्या बात, क्या बात, मनोज जिंदाबाद। हम इस क्रम को चार पक्तियां और पिरोना चाहता हूं। स्वागत। श्रृंगार का मूलतः कवि हूं, लिखता हूं श्रृंगार ही, उसी में मोहब्बत की चार पक्तियां पढ़ता हूं, अपने ईश्वर को याद करता हूं, सुनेगा। स्वागत। मोहब्बत जितनी बांटोगे खुशी उतना ही रब देगा, मोहब्बत जितनी बांटोगे, मोहब्बत जितनी बांटोगे खुशी उतना ही रब देगा, ए मत पूछो कहां कैसे किसे कितना वो कब देगा, अकीदत नेक नियति पाक साही बेनियाजी की, अकीदत नेक नियति पाक साही बेनियाजी की, तू चाहे या न चाहे वह जो चाहे गा तो सब देगा, तू चाहे या न चाहे वह जो चाहे गा तो सब देगा। और ये उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन का कार्यक्रम, हम सभी यहाँ पे चाहे मंच हो चाहे ये पत्रकार परिषद हो, हम सभी का काम लिखना है, क्या लिखना है हमें, चार पक्तियाँ
यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन को समर्पित करता हूँ, हमें क्या लिखना चाहिए? शिखर को सुन से साधे उसे संघर्ष लिख देना। शिखर को सुन से साधे उसे संघर्ष लिख देना। शिखर को सुन से साधे उसे संघर्ष लिख देना। विस्मित हो रहा है, छोड़ता हूँ, दूसरी पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। आज बाजू में भावपूर्ण श्रद्धांजलि, CDS जनरल विपिन रावत जी की लगी है। चार पंक्तियाँ वहाँ से निवेदित करना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत भाई। हम सीमाओं से कितनी सुरक्षित रहते हैं, जिनके रहनुमा आज नहीं है हमारे बीच, उनके लिए चार पंक्तियां पढ़ता हूं। चेहरे पे खौफ को कभी, मंच का ध्यान चाहूंगा इस पे। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। चेहरे पे खौफ को कभी छाने नहीं देते, दुश्मन जो जद में आ गया जाने नहीं देते। करते हैं गर्व शान से, मरते हैं देश पर, जीते जी आँच हिंद पे, जीते जी आँच हिंद पे आने नहीं देते। चेहरे पे खौफ को। बहुत बढ़िया। और कुछ पंक्तियां और निवेदित करके गीत छोटा सा पढ़ता हूँ। स्वागत। फिर लगेगा मेरी आवश्यकता होगी, मैं पुनः पढ़ूंगा, अभी पूरे मंच को पढ़ना है। स्वागत। परिचय की चार पंक्तियां पढ़ता हूं। प्रीत परिधि में पलने वाला, प्रीत परिधि में पलने वाला, ब्रज बरसाना नंदन हूँ, ब्रज बरसाना नंदन हूँ, सरल स्वभाव समर्पण सेवा वंदन हूँ, अभिनंदन हूँ, वंदन हूँ, अभिनंदन हूँ। कुंठार कुरीत कुशासन मधुर गीत से मिटारा, लाख नाग लिपटा दो मुझ पर, मैं मलयागिरी चंदन हूँ, मैं मलयागिरी चंदन हूँ। बहुत बढ़िया। मैं मलया। और गीत पढ़ता हूँ। स्वागत स्वागत। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, गीत का वहीं से प्रादुर्भाव होता है। स्वागत। ये जो पीछे, पीछे शोर न करें कृपया, वहां दूसरा कवि सम्मेलन चल रहा है, उसको थोड़ा रोक दिया जाए। हाँ मनोज जी, चार पत्नियां और भी गीत के सम्मान में इस मुक्तक को पढ़ना चाहता हूँ। अपना परिचय। बिल्कुल। हम सभी लगभग में यहाँ गाँव से आए हैं, गाँव की चार पंक्तियां पढ़ के गीत पढ़ता हूँ। स्वागत स्वागत भाई। गाँव की गंध ले के आया हूँ, गाँव की, गाँव की गंध ले के आया हूँ,
प्रीत अनुबंध लेके आया हूँ, मीत जो गीत गुनगुनाए मधुर, मीत जो गीत गुनगुनाए मधुर, रीत के छंद लेके आया हूँ। बढ़िया बात। रीत के छंद और गीत रखता हूँ। स्वागत। कि प्रीत के रंग में रंग दे, प्रीत के रंग में रंग दे, विशेष ध्यान चाहूंगा कि प्रीत के रंग में रंग दे, प्रीत के रंग में रंग दे, प्रीत के रंग में रंग दे, मैं बनूं तेरा तू मेरा, मैं बनूं तेरा तू मेरा, अंग में अंग दे, अंग में अंग दे, प्रीत के रंग में रंग 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 दे। बंद रखता हूँ। प्रकृत रंगे सतरंगी धरा की चुनर धानी, विविध रंगों में सज कर आए तितली रानी। क्या गीत है। कलियों सातन भंवरे सामन, कलियों सातन भंवरे सामन, ऐसी रीत का ढंग दे, प्रीत के रंग में रंग दे, प्रीत के रंग में रंग दे, प्रीत के रंग में रंग दे। और यह दूसरा बंद, दो तीन बहनें, कुछ महिला दर्शक दीर्घा में बैठी बहनें, स्वागत, जितनी भी महिला यहाँ बैठी हैं उनके लिए चार ये बंद द्वारा निवेदित करना चाहता हूँ। स्वागत। कि चंदा संग चकोरी बादल संग पुरवाई, चंदा संग चकोरी बादल संग पुरवाई, पलकों में सपनों के दुल्हन की तरुणाई। क्या बात। नई नवेली नटखट नयनो, नई नवेली नटखट नयनो वाली नई उमंग दे, प्रीत के रंग में रंग 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 दे। बहुत अच्छे मनोज। और इस गीत का सबसे अच्छा बंद जो मैंने लिख सका है वो आप सबके सम्मुख रखता हूँ। स्वागत। सुर सजते सांसों में सरगम की सहनाई, सुर सजते सांसों में सरगम की सहनाई, अटखेली अंगों की अलबेली अंगड़ाई। संभवतः इस बंद को लिखने के लिए पूरे गीत का सृजन हुआ, वो बंद आपके समक्ष रख रहा हूँ। सुर सजते सांसों में सरगम की सहनाई, अटखेली अंगों की अलबेली अंगड़ाई, सारे गामा पाधानी सा, सारे गामा पाधानी सा, सानी धप मगर सा, सारे गामा पाधानी सा, सातों सुर का संग दे,
प्रीत के रंग में रंग दे, प्रीत के रंग में रंग दे, प्रीत के रंग में रंग दे, प्रीत के रंग में रंग दे। और इस गीत का अंतिम बन स्वागत, क्या पढ़ रहे भाई? मीरा के, मीरा के मनमोहन राधे कृष्ण कन्हाई, मीरा के मनमोहन राधे कृष्ण कन्हाई, सूर बिहारी के सौ यशोदा के अंगनाई। अच्छा, मधुर गीत के सुर लहरी में, मधुर गीत के किलकारी में उछल जलधि तरंग दे। प्रीत के रंग में रंग दे, प्रीत के रंग में रंग दे, प्रीत के। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।